स्वारघाट बस अड्डे के पास सुनार की दुकान में चोरी की घटना का मामला सामने आया है। अज्ञात चोरों ने इस वारदात को वीरवार रात के समय अंधेरे में अंजाम दिया। दुकानदार पंकज वर्मा ने उक्त चोरी की घटना के संबंध में स्वारघाट पुलिस में जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाई। बताया जा रहा है कि अज्ञात चोरों द्वारा सुनार की दुकान से चांदी और सोने के लाखों के आभूषण चोरी कर लिए गए हैं। सूचना के बाद स्वारघाट के थाना प्रभारी सब इंस्पेक्टर राजेश कुमार ने दल बल सहित घटनास्थल पर जाकर चोरी की वारदात के संबंध में छानबीन की। उन्होंने बताया कि फिलहाल प्रथम दृष्टया जांच में उक्त चोरी की वारदात को संदेह के आधार पर देखा जा रहा है। पुलिस सारे मामले की गहनता से जांच कर रही है। स्वारघाट से दीनानाथ ठाकुर की रिपोर्ट। ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए ENTV के फेसबुक पेज को लाइक करें और YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करें।